चंबा में आज निर्मल भारत अभियान के तहत स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरोल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें DRDA की तरफ से राष्ट्रीय सेंट्रियन अभियान के लिए एक स्वच्छता रथ को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उपायुक्त चंबा M. सुधा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता रथ पूरे सप्ताह तक चंबा जिला के हर पंचायतों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। वंदे मातरम गाकर बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में उपायुक्त द्वारा बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ दिलाई गई। बच्चों की स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई गई। 10 बच्चों के स्लोगनों को बैनरों में लिखकर इस अभियान के दौरान पूरे चंबे जिला में स्वच्छता रथ के साथ शामिल किया जाएगा। उपायुक्त ने बच्चों की एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली गाँव में जाकर स्वच्छता के नारों को लगाकर लोगों को सफाई का संदेश देगी। चंबा जिला में ये जो स्वच्छता सप्ताह है, इसका शुभारंभ यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में हरिपुर में किया गया है, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, जिसमें रथ यात्रा भी यहाँ से शुरू हुई है। आज एक सप्ताह 1 वीक के लिए ये पूरे जिला में जाके हर एक पंचायत में ये स्वच्छता के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ बच्चों की स्लोगन कंपटीशन भी किया था, और उसमें 10 बच्चों को चुना गया था जिनके स्लोगन्स बहुत अच्छे लगे, और इन स्लोगन्स के हम लोग बैनर्स बनवाएंगे इन बच्चों के नामों के साथ, और पूरे जिला में उसका उपयोग करेंगे। और हम आज एक रैली भी करवा रहे हैं यहाँ पे इस पंचायत के लिए, जो स्कूल बच्चों का स्वच्छता के ऊपर नारे लगा के पूरे इस पंचायत में जाएंगे। और ये पूरा सप्ताह जो है, जैसे हमें निर्देश मिले हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके हिसाब से हर एक ब्लॉक लेवल पे, हर एक पंचायत लेवल पे स्वच्छता अभियान के ऊपर हम कार्यक्रम चलाएंगे। और हमारा यही आशा है कि मार्च 2015 के अंदर अंदर चंबा जिला जो है पूर्ण स्वच्छ हो जाए। बच्चों ने इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बच्चों ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस अभियान की शुरुआत उनके विद्यालय से हुई है, और हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। जो बीमारियां होती हैं उनको कम करने के लिए सफाई बनानी है, ये अभियान चला हुआ है, जिससे सफाई जो है चारों ओर फैले। जहाँ सफाई होगी वहाँ पे बीमारियाँ कम होगी, जैसे दस्त होता है, रोग होता है, बड़े सारे रोग होते हैं जो नहीं फैलेंगे। सबसे पहले हमें जो बीमारियाँ होती हैं उनको कम करने के लिए सफाई बनानी है। हमें स्कूल में गंदा पानी नहीं पीना है, हाथ धो के खाना खाना है। फिर हमें सबसे पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद आपके जो हाथ के कीटाणु होते हैं वो नहीं रहते हैं, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं छुएगी। और जब आप बाहर जाते हो, कुछ पैकेट बंद चीज़ें खाते हो, उससे आपको जो है पेट में दर्द होता है रात को, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है आप अपने घर में पैकेट बंद वाली चीज़ें ना खाएं और घर में बना खाना खाएं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। ओ सारे रोग का बच जाना।